नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मौत पर शिक्षक संगठन और सरकार आमने सामने आ गए हैं। शिक्षक संगठनों का दावा है कि पंचायत चुनाव में 1600 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि सरकार कह रही है कि केवल 3 शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई है। इसको लेकर शिक्षक संगठन ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को जो पत्र लिखा है उसमें क्या दावा किया गया है, क्या कहा गया है, और उस पत्र के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें क्या कहा गया है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं, शिक्षक संगठन उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने पत्र लिखा है। पत्रांक है 390/393 दिनांक 19/5/2021 को। सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसचिव द्वारा 3 शिक्षकों की कोरोना से हुई मौत के संबंध में जारी की गई सूचना या विज्ञप्ति पर संगठन द्वारा आपत्ति किए जाने के संबंध में। महोदय, अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि से मतगणना तक प्रदेश के करीब 1600 बेसिक शिक्षक पंचायत चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होकर तथा राज्य निर्वाचन आयोग की हठधर्मिता और अदूरदर्शी निर्णय की भेंट चढ़ गए। लगभग 1600 बेसिक शिक्षकों की मौत और उनके परिवार को अनाथ बेसहारा करने का जिम्मेदार राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश तथा सरकार है। महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसचिव सत्य प्रकाश द्वारा 18 मई 2021 को जारी की गई विज्ञप्ति में मात्र 3 बेसिक शिक्षकों की पंचायत चुनाव के दौरान मृत्यु की सूचना प्रसारित की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, प्रदेश में अब तक 1600 बेसिक शिक्षकों की मृत्यु हुई है और वह सभी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। महोदय, कोविड-19 संक्रमण कोई आतंकवादी या उग्रवादी घटना नहीं है, यह एक महामारी है। प्रदेश का बेसिक शिक्षक पंचायत चुनाव के प्रशिक्षणों, पंचायत चुनाव मतगणना के प्रशिक्षणों तथा मतगणनों की ड्यूटी करने के दौरान ही संक्रमित हुए, तत्पश्चात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सभी 1600 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की मृत्यु कोविड-19 से ही पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के दौरान या उपरांत ही हुई है। ऐसी स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने का वैधानिक व नैतिक दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार का ही है। महोदय, श्री सत्य प्रकाश अनुसचिव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति से प्रदेश के बेसिक शिक्षकों में व्यापक आक्रोश और सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया है। महोदय, आप परिवार के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश प्रदेश के बेसिक शिक्षकों का नेतृत्व करता होने के नाते उनकी भावनाओं से अवगत कराने तथा उनकी समस्याओं को हल कराने हेतु आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का अपना परम दायित्व समझता है। महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि पंचायत चुनाव की भेंट चढ़े प्रदेश के लगभग 1600 शिक्षकों कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिलाने का कष्ट करें। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसचिव श्री सत्य प्रकाश द्वारा जारी भ्रामक विज्ञप्ति 18 मई 2021 को निरस्त करने का कष्ट करें। महोदय, संगठन यह भी अवगत कराना चाहता है कि यदि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित होकर शहीद हुए सभी शिक्षक या कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो मजबूर होकर प्रदेश का बेसिक शिक्षक प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के विरुद्ध विपरीत निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा।
जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार और शासन का होगा। तो ये पत्र लिखा है योगेश त्यागी प्रदेश अध्यक्ष और नरेश कौशिक प्रदेश महामंत्री जी ने, और इसकी प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी गई है, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भी गई है, और महानिदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को भेजी गई है, और इसके साथ साथ इसमें 1600 शिक्षकों की सूची भी प्रेषित की गई है। इसके बाद उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा। देखिए प्रेस नोट भी क्या जारी किया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। कुछ शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी प्रदेश में संपन्न पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की हुई मृत्यु की संख्या 1621 बता रहे हैं, जो पूर्णतः गलत और निराधार है। इसी भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्ष के नेतागण भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश के जिलाधिकारियों से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। सरकार उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी व अन्य देयकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेगी। तो ये जो पत्र जारी किया है ये हमारे डॉक्टर सतीश चंद्रवेशी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश जी ने जारी किया है। तो एक दूसरे के प्रति पत्र जारी किए जा रहे हैं, और आप हकीकत क्या है उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो साथियों आपको आप इस वीडियो पे कमेंट लिखें, आपकी इस बारे में क्या राय है इन दोनों पत्रों के बारे में। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।